गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पेडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो चल रहा था वंशानुक्रम व वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। इससे पहले वाली वीडियो में आप पूरा हेरिडिटी के ऊपर देख सकते हैं, वंशानुक्रम के बारे में डिस्कस किया है कि हेरिडिटी होता क्या है और उसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसका सेकंड पॉइंट यानी कि वातावरण के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है और वो उसके हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हुए चलते हैं कि वातावरण क्या होता है। जो वातावरण होता है हमारा एनवायरनमेंट, वो होता है चारों तरफ का आवरण। मींस जो किसी भी व्यक्ति को बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से जो घेरे रहता है, हमारे शरीर को चारों तरफ से जो घेरे रहता है, वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में जिनके साथ रहते हैं, वो आपका क्या है, वो एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आपका आपकी फैमिली भी रहती है, आपकी सोसाइटी भी रहती है, आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या है आपको घेरे हुए हैं, जिनसे आप रिलेटेड हैं, जिनके आपके कैसे रिलेशंस हैं। आप उनके बिना अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं। खाना खाने के बिना जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कहीं एक अलग बिल्कुल चला जाइए, वहाँ पे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पे आप जी लेंगे? तो वहाँ पर भी आप जब जाएंगे ना, ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको पानी और ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पर भी क्या, वहाँ पे आपको पर्यावरण नहीं मिलेगा क्या, वातावरण नहीं मिलेगा? वहाँ पर भी जो नेचर है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो झरने हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी तो पर्यावरण ही हैं। आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट हमारी जो जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तब तक ही हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमको किसी ना किसी रूप में इफ़ेक्ट करता ही है। ठीक है, बच्चे विदाउट वातावरण या बिना अपने वातावरण के अपना कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपनी हेरिडिटी, जीन्स, इन सब का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कितने होते हैं, यानी कि वातावरण के प्रकार कितने होते हैं। टू टाइप के होते हैं, एक होता है आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक होता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल। ठीक है, अब आंतरिक समझ लेते हैं पहले कि आंतरिक वातावरण क्या होता है और बाह्य वातावरण क्या होता है। आंतरिक वातावरण यानी कि इंटरनल, वो जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, वो होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जन्म से पहले। ठीक है, जो हमारा आंतरिक वातावरण होता है यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, वो होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भस्थन में होता है, यानी कि उसके जो 9 महीने का वो पीरियड होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है वो। अब वहाँ पे वातावरण कैसे इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे वातावरण का क्या संबंध है, क्योंकि बच्चे का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं, तो वातावरण कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चे को, कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है। यहाँ पे बच्चे को उसका वातावरण इस रूप में प्रभावित करता है, इस रूप में इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो जो उसके आसपास की चीज़ें होती है ना,
जो उसके टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो उसे प्रभावित करते हैं। गर्भस्थान में बच्चा खाना कैसे खाता है? 9 महीने वो भी तो जिंदा रहता है, वो भी तो जीवित रहता है, खाना खा के पानी पी के वो कैसे रहता है? वो अपनी माँ के थ्रू रहता है। उसकी माँ जो भोजन ग्रहण करती है, जो खाना खाती है, वही बच्चे के लिए जाता है, जो पानी पीती है वही बच्चे के लिए जाता है। तो वो सारी चीज़ें अपनी माँ के थ्रू ही बच्चा ग्रहण करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है। तो यही सारी चीज़ें बच्चे को गर्भ के टाइम पे इफ़ेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, अगर माँ गर्भस्थान के टाइम में, मतलब अपने आफ्टर डिलीवरी से, वो सॉरी बिफोर डिलीवरी से पहले, बिफ़ोर डिलीवरी के टाइम पे जब वो 9 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर माँ शारीरिक रूप से कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है? सीधा बच्चे पे पड़ेगा कि बच्चा भी उसी रूप से पैदा होगा कि उसमें भी शारीरिक कमज़ोरियाँ आ जाएंगी, वो भी शारीरिक रूप से दुर्बल पैदा होगा, उसमें कमज़ोरियाँ आ जाएंगी या मेंटल एबिलिटी कम है, तो बच्चा भी मानसिक रूप से आघातित पैदा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? आंतरिक रूप से इफ़ेक्ट करती हैं। अगर माँ उस टाइम पे, मदर जो है, प्रॉपर फूड गेन नहीं कर रही है, हेल्दी फूड नहीं खा रही है जो उसे खाना चाहिए, प्रॉपर मेडिसिंस नहीं ले रही है तो जो उसे लेनी चाहिए कि विटामिन्स उसमें होना चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम उसमें होना चाहिए, उसका एक फूड चार्ट ऐसा बनाया जाता है जिसमें एग, ब्रेड और ये सारी या फिर पनीर वगैरह रखा जाता है ताकि वो हेल्दी फूड गेन करे, ताकि बच्चा भी जो है बिल्कुल हेल्दी पैदा हो। वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि माँ ये सारी चीज़ें खाएगी तो बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी डेवलपमेंट्स होंगे जो होने चाहिए, बच्चा भी एक हेल्दी पैदा होगा, वो भी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होगा। तो इसीलिए जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारा, बच्चे का आंतरिक रूप होता है, जो आंतरिक वातावरण होता है, वो जन्म से पहले का होता है, जो उसकी माँ के थ्रू ही बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट उसका होता है, बाह्य वातावरण क्या होता है बच्चे का। बाह्य वातावरण को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें होता है हमारा भौतिक वातावरण। ओके, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य वातावरण क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल होता है उसको तो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट बच्चे का जो होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चे का? जैसे उसका स्कूल हो गया, उसका घर हो गया, तापमान हो गया, ये फिजिकल चीज़ें ही तो हैं जो हमें नेचुरली मिल रही हैं। जैसे वेदर चेंज होते हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, वो सारी बच्चे के बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। आपका स्कूल का एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट करता है, घर का एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका घर का, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है तो भी आप पॉजिटिविटी अपने अंदर गेन करेंगे, उसी तरह की आपकी शिक्षा होगी, उसी तरह का आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब शिक्षित लोग नहीं रहते, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका भी इंटरेस्ट पढ़ाई के अंदर नहीं आएगा। अगर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं आप जहाँ पे चोरी चकारी, झूठ ज़्यादा बोला जाता है, ये सब, तो आप भी वो चीज़ें गेन करेंगे। ठीक है, और जो आपका एनवायरनमेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बारिश हो रही है, वो भी आपको इफ़ेक्ट करती है कि आप बीमार पड़ जाते हैं उस मौसम में आपको, या बहुत ज़्यादा गंभीर टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ये सारे क्या है, सीजनल होते हैं, वेदर होता है, एक एक टाइम पे आपको इफ़ेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं हमारी भौतिक वातावरण के अंदर आती हैं, आपके पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक, सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल। अब सोशल क्या होता है, सामाजिक वातावरण क्या होता है आपका, जिस वातावरण के अकॉर्डिंग आप घिरे हुए हैं अपने घर के अंदर। आपके घर में कौन कौन होता है? आपके पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी, चाचा चाची, ये सारे रिलेशंस आपके साथ होते हैं, या आपके टीचर्स होती हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका सोशल एनवायरनमेंट होता है, आपके सोसाइटी के मेम्बर्स होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, ये लोग भी आपको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपका, बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर,
कि आपके दोस्त अगर बहुत अच्छे हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, आप वहाँ पे क्या है पॉजिटिव चीज़ें गेन कर सकते हैं, बहुत एजुकेटेड बन सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जहाँ पे सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी टीचर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा रही है, तो आप भी वहाँ पर क्या है वो सारी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे आप भी बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और उनको देखा देखी आप भी सोचेंगे कि मैं भी स्टडीज़ पे ध्यान दूँ, मेरा भी करियर ब्राइट हो। और ये सारी चीज़ें क्या है आप वहाँ पे अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखेंगे। आपकी टीचर का मतलब आपकी जो टीचर है एक आइडियल है और उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको एकदम अट्रैक्ट करती है कि हाँ मुझे अपनी टीचर की तरह बनना है, एक आइडियल टीचर है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं या वो उनको रिस्पेक्ट करती हैं, जो उनका बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप उससे इफ़ेक्टिव होते हैं कि मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना है, मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी हो। ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर कि मेरे पेरेंट्स बहुत वेल एजुकेटेड हैं तो मुझे भी पढ़ाई करनी है, अपने पेरेंट्स की तरह बनना है, अपने दादा दादी की तरह बनना है। कुछ फैमिलीज़ में आपने देखा होगा ना जो फैमिलीज़ आर्मीज़ और फौजी ये सब फैमिलीज से बिलोंग करते हैं तो उनके बच्चे भी क्या है वो सारी चीज़ें गेन करते हुए ये चीज़ सोचते हैं कि मैं भी फ़ौज में जाऊँगा, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा, मेरे दादा दादी आर्मी में थे, मेरे मॉम डैड आर्मी में है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा उसकी उसको इफ़ेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे का मानसिक एनवायरनमेंट यानी कि मानसिक वातावरण यानी कि इमोशंस सॉरी मेंटल, ठीक है। अब बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट होता है जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे को कैसे इफ़ेक्ट करता है कि आपका मान लीजिए ज़्यादा आईक्यू लेवल नहीं है या ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आपके टीचर के थ्रू आपके पेरेंट्स के थ्रू अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जितना आपको नहीं पता उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स IAS नहीं बने, कलेक्टर नहीं बने, वो डॉक्टर हैं या टीचर हैं या फिर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके बच्चे भी क्या है कलेक्टर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जा सके, उनको निर्देशन दिए जा सके, उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनकी जितनी मेंटल एबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, एक पॉजिटिविटी डेवलप की जा सके या फिर उनको उसके स्कोप्स बताए जा सके, तो एक मेंटल एबिलिटी या मानसिक एनवायरनमेंट उसका ऐसा डेवलप किया जा सके उसके टीचर्स पेरेंट्स और किसी भी सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, ताकि वो बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल कर सके और एक प्रॉपर वे में अपना डेवलपमेंट कर सके। और उसके बाद आता है संवेगात्मक यानी कि इमोशंस। लास्ट हमारा बाह्य वातावरण के अंदर पॉइंट है संवेगात्मक यानी कि इमोशन। इमोशन जो वातावरण होता है आपका इमोशनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपको कुछ और करने का मन है, ठीक है। आपको मान लीजिए डांसर बनने का मन है या सिंगर बनने का मन है, मॉडलिंग करने का मन है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं ना वो आपके ऊपर एक ऐसा इमोशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा इमोशन अत्याचार करते हैं कि वो बोलते हैं नहीं आपको तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करनी है। तो वहाँ पे आप क्या है उस रूप में वहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है कि आप वहाँ पे मेंटल एबिलिटी अपनी इस तरह से प्रभावित कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है पेरेंट्स चाहते हैं, उनकी विशेज हैं कि मैं ये नहीं ये करूँ, तो आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, लेकिन आपका मन नहीं होता, आपका मन तो मॉडलिंग करने का था, एक्टर बनने का था, डांसर या सिंगर बनने का था। तो वहाँ पे जो इमोशन एनवायरनमेंट रखा जाता है कि इमोशनल अत्याचार किया जाता है वो चीज़ें क्या है आपको इफ़ेक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट को, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बहुत पॉजिटिव वे में आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं और कुछ बहुत नेगेटिव वे में आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। फर्स्ट आपको पता चल गया है वातावरण क्या होता है जो हमें हमको घेरे रखता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये हमें घेरे रखते हैं जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक यानी कि जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती हम तब तक अपने एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं और एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा डेवलपमेंट किसी ना किसी रूप में इफ़ेक्ट होता रहता है।
अब आंतरिक यानी कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट था वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है, अपनी माँ के थ्रू इफ़ेक्ट करता है, जैसा वो खाएंगी, जैसा उनका शारीरिक है, मानसिक है, वैसा ही हमें मिलेगा। और बाह्य हमें कैसा करता है, जब हम पैदा हो जाते हैं, मतलब हमारा जन्म हो जाता है एक बच्चे का, तो उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट उसको इफ़ेक्ट करता है, उसका सोशल एनवायरनमेंट उसको इफ़ेक्ट करता है, उसका मेंटल और इमोशनल एनवायरनमेंट उसको इफ़ेक्ट करता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बेकार हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये वाला पॉइंट यहीं पर फिनिश होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।